हाँ भाई, तो ये जो है ना हमारा अचार गोश्त समझ लें रेडी हो गया है। ठीक है, गर्मी बहुत थी और इत्तेफाक से जो है वो आज लाइट चली गई थी, तो लाइट अभी थोड़ी देर पहले आई है और हम इसी की मायनीज़ यूज़ करते हैं। बेस्ट है ये, आप लोग भी लेकर आइएगा। ये मैं भी लेकर आई हूँ, ये नया आया है। एक इसका येलो वाला था ना, अभी इन्होंने इसमें थिक क्रीम मायनीज़ है और इसका टेस्ट कैसा है खा के बताओ जल्दी से कैसा होगा। वही जो दिन के हैं ना, इस वक्त 3 बज रहे हैं और ये देखिए ज़रा कैसे एसी में पड़े हुए सन आ रहे हैं, कैसे सोया जा रहा है। वो तो देखिए उधर होश ही नहीं है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये तो देखो जला इस शुन्नू मुन्नू को, कैसी ये शोली है मेरी बेटी। तरा हाँ, कैसे सो रहे हैं तीनों। जब इस तरह का माहौल बना हुआ हो तो कौन उठेगा, आप बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और भाई क्या हो रहा है, मैं जो हूँ भाई आज बहुत दिनों बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद जो है ना अपनी ड्रेसिंग साफ कर रही हूँ। ऐसी कोई शदीद वाली मट्टी थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था, ये देखें टाइम ही नहीं मिल रहा था कि जो है वो सफाई हो, क्योंकि आपको पता है शादियों के सीज़न में बिल्कुल सफाई नहीं होती। तो ये सारी अपनी चीज़ें मैंने यहाँ फैलाई हुई हैं और मैं बस डस्टिंग कर रही हूँ और आप लोग बताएं क्या हो रहा है। बस जस्ट अभी जो है काम वाम से फारिग हुई थी तो फिर मैंने सोचा हाय अल्लाह, मेरा डस्टिंग का कपड़ा कहाँ रख दिया, मैं ज़रा ये सफाई कर लूँ, देन फिर मैं आप लोगों को ज़रा ये दिखाती हूँ, देन फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ भाई, तो ये जो है सेटिंग हो गई, सारी डस्टिंग वस्टिंग पूरी हो गई क्योंकि मिट्टी इतनी कोई शदीद थी। और जो है आप लोगों के सामने ये पूरा जो है ना, ये मेरा ड्रेसिंग जो है ना, और इत्तेफाक से जो है ना वो लाइट चली गई। ये रुको, ये क्या हो रहा है, ये क्या बनाया आपने? वाओ, इट्स अ होममेड बीफ बर्गर। वो जो हम बाजार से खाते हैं ना, वो जो मैं तो खैर बीफ बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये तो भाई हमारे घर का अपना है होममेड बीफ बर्गर। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे घर में बन नहीं था, लेकिन हमने जो है ना वो ब्रेड से बना लिया और बहुत अच्छा बनता है। और इसमें मैंने डाला है, ये देखें, ये हेलमेंट्स का जो है वो नया आया था ना, तो मैं ये इम्तियाज़ से ग्रोसरी में मैं लेकर आई हूँ। आप लोग भी ट्राई करें, ये वर्ल्ड नंबर वन इसको जो वो मिला हुआ है, यानी हेलमेट्स जो है ये बाहर का ब्रांड है और हम इसी की मायनीज़ यूज़ करते हैं। बेस्ट है ये, आप लोग भी लेकर आइएगा। ये मैं भी लेकर आई हूँ, ये नया आया है। एक इसका येलो वाला था ना, अभी इन्होंने इसमें थिक क्रीम मायोनीज़ है और इसका टेस्ट कैसा है खा के बताओ जल्दी से कैसा होगा। तो ये कि मैंने अभी जो है ना अपना जो बनाया है ना, वो मैंने इससे बनाया है। तो बहरहाल तुम ज़रा ये ट्राई करो कि ये कैसा है। 35 कहाँ लिखा है? हाय अल्लाह हमजा, 35 की सेविंग है बेटा, लिखा हुआ है। मर जाएंगे, ये 35 रुपये का ये इतना बड़ा देंगे किलो वाला पाउच, मर जाएंगे वो। बहरहाल ये खा के बताओ कि ये टेस्ट कैसा है इसका, जो उसमें मैंने मायोनीज डाली है। ठीक है, और हम ज़रा आयल मुन्नू को देख लें। आयल मुन्नू को जो है ना, वो सुबह से टेम्परेचर लो ला, मेरे बेटे को जो है ना ठंडी ठंडी पेप्सी पी ली थी मेरे बेटे ने, तो इसका मेरे बेटे को जो है ना वो टेम्परेचर हो रहा था। तो अभी जो है ना फिलहाल मैं आयल को खिला रही हूँ थोड़ा सा कच्चा पक्का अंडा है, और आपको पता है अंडा जो है वो बच्चों की सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। तो मैं ज़रा अंडा खिलाऊँ, देन फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। यही किया जिससे मैं पापा ने यही काम का रीजन वर्स कि मैथ का यही तो मैंने किया था यही, और 11 नहीं लिखा है, से मैंने 12 भी लिखा है, से मैंने अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, फिर 5 है कंप्लीट किया है अभी अपना समर वेकेशन का, और आगे हम देखते हैं आगे क्या। अरे यही तो करना था पहले, पहले मैंने यही किया था, आपके पापा ने यही काम करवाया है और बाकी का भी तो डन करना है ना। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टिप टॉप मजे में। और भाई आज है थर्सडे नहीं है सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चल रही हूँ, आज है वेडनेसडे। और भाई वेडनेसडे के हिसाब से जो है मौसम तो अच्छा हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है,
ठंडा नहीं कह सकते, लेकिन हवाएं वगैरह जो है ना वो ज़बरदस्त वाली चल रही है। तो फिलहाल बस अभी शाम का वक्त था, मैंने सोचा कि चाय वगैरह बना ले आज इत्तेफाक से, अदनान ने भी ऑफ़ किया था ऑफिस से, तो बस अभी चाय की आवाज़ आई थी कि चाय बना के भाई ले आओ, छत पे ये लोग सब बच्चे वगैरह, लेकिन एक जो बच्चा है ना उसको तो कोई रगबत ही नहीं है कि मौसम कैसा भी हो जैसा भी हो उसका जो है ना वो ये होना चाहिए। इनका जो है वो टीवी होता है और इनके कार्टून्स होते हैं, और भाई ये बच्चा जो है ना छत पे अपने मूड के डिपेंड्स होता है इनका के ऊपर चला जाता है। हाँ बारिश होती है तो फौरन फर ना ही ऊपर भाग जाता है। और बहरहाल आप लोग बताएं कैसे क्या हो रहा है ईद के बाद, आप लोगों के कैसे कैसे रूटीन चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो है फिलहाल अभी जो है दावतें प्लान हो रही हैं कि किस दिन दावत रखनी है, लेकिन इस वीकेंड पे जो है वो इंशाल्लाह मेरे घर में दावत है मेरी खाला वगैरह की, तो बस फिलहाल उसी की तैयारी है। और हो सकता है कि हफ्ते को मुझे कहीं जाना पड़े किसी दावत में या किसी डिनर में, तो उसका ये मैं इंशाल्लाह ब्लॉग बना के आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी थोड़े दिन कुछ दिन पहले जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बनाती या मैं ब्लॉग वगैरह बनाती, क्योंकि घर की इतनी मसरूफी आती थोड़ी बहुत आना जाना लगा हुआ था इस वजह से। तो ज़रा मैं चाय बना लूँ, ये चाय आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अभी हल्की आँच में मैंने रखी है, और इत्तेफाक से दूध पत्ती बन रही है तो वो तो स्लो आँच पे ही बनती है। चाय पहले हूँ, देन मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ और बताती हूँ कि आज जो है ना मैं डिश में क्या A few moments later. हाँ भाई, तो ये जो है ना हमारा अचार गोश्त समझ ले रेडी हो गया है, ठीक है। गर्मी बहुत थी और इत्तेफाक से जो है वो आज लाइट चली गई थी, तो लाइट अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो समझ लेंगे तो मैंने गर्मी में बनाया है, लेकिन यार अंधेरे में भी जो है वो सही बन गया। और इसका मसाला आप देख सकते हैं, ये बच्चों की वजह से थोड़ा सा जो है ना इतना रखना पड़ता है मुझे, बहुत गाढ़ा वाला ही बनाती हूँ मैं, लेकिन ये कि ये चपाती के साथ खाना है हमने तंदूर की रोटी के साथ, तो ये कि इतना तो फिर होना चाहिए कि ये कि इंसान जो है वो थोड़ा खा ले। तो ये तकरीबन समझ लें आधा किलो दही में बनाया है मैंने, और ये तकरीबन जो है ना एक किलो गोश्त है, छोटी छोटी मैंने इसमें बोटियाँ कर ली थी, ऐसे खा ली जाती नहीं है, देखिए बच्चे भी खा लेते हैं, और वैसे इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है, सारा है मिक्स है। और ऑयल आप लोग अपनी मर्जी से देखे डाल सकते हैं, ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, और ये झटपट बनता है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपने लेने हैं टोटली 6 टमाटर, आधा किलो दही है, और मेन जो इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा शान का अचार गोश्त, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें लेमन डालते हैं, वो आप स्क्विज करके डाल दें, दो मैंने वो डाले हैं, और ऑयल जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आप डालना चाहें सही है। बस इसमें गिनती के थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं, ज़्यादा नहीं होते, और ये झटपट तैयार हो जाता है। सबसे पहले तो पपीता लगा के मैंने रख दिया था गोश्त पे, और लहसुन अदरक लगा के, ठीक है। दैन फिर हमने उसको तेल में फ्राई करके मसाले के साथ, और दैन फिर आखिर में हमने जो है वो दही और टमाटर को ग्राइंड करके मैंने इस पर डाल के हल्की आँच पर रख दिया था, तो आपके सामने ये मेरा अचार गोश्त रेडी है। एंड दैन अब मैं इसको डालूँगी अपनी हरी मिर्च, और हरी मिर्चों के बाद ये फाइनल लुक मेरा। गर्मी से ऐसी कोई बुरी हालत हो रही है, और हमारे यहाँ भी लाइट चली गई थी, लाइट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो बस ये कि अल्लाह का करम है। और अब बजने वाले हैं 10:45, और 11 बजे जो है ना वो हमारे यहाँ चली आएगी गैस, और 11 बजे से पहले जो है वो खाना रेडी करना होता है। देन खाना जो है मेरा रेडी हो गया, मैं ज़रा खाना खा लूँ, देन आप लोगों को ज्वाइन करूँ। 2 hours later. कैसे पाउडर खा रहा है लड़का, ये देखें भाई कि जो है ना ये रात में ये सो के उठ गया है, और इस वक्त जो है ना तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, और इसने सबको जगा दिया है ना, और ये देखे क्या हरकतें हो रही है भाई। पाउडर का डब्बा हाथ में ले लिया, और ये इसका मिशन होता है, ये ऐसे ऐसे बैठ के ये जहाँ जहाँ पाउडर गिरता रहेगा ना, ये साहब आप देख रहे हैं खूब पाउडर खाने लगे हैं, ये इनका फेवरेट काम हो गया। और इस वक्त 3:30 का टाइम हो रहा है, और हमजा माज जो है वो बाहर टीवी देख रहे हैं, और मैं जो हूँ वो लेटी हुई थी कमरे में लाइट बंद करके, और ये जो है ना ये मखलूक ये रात के इस पर ना ये हरकतें हो रही हैं, आप देख सकते हैं ये उठ गया है, और पाउडर का डब्बा है इनके हाथ में, और ये हरकतें हो रही हैं। मैं सो रही हूँ आहिल, तुम बैठे रहो, मम्मा सो रही है।
मेरे हाथ पे लग गया पाउडर, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। फुल शरारत वाले मूड में है ये, और ये देखना जरा मेरे हाथ से कैसे पाउडर ले लेके अब ये खाए। ये देख सकते हैं कैसे मेरे हाथ से ये तो फिलहाल भाई यहाँ करते हैं अपने व्लॉग को एंड। और मेरा व्लॉग तो वैसे एंड हो गया था आप लोगों को बिना बाय बाय कहे हुए। मैं जरा इसको सुलाने की कोशिश करूँ क्योंकि कहाँ ईफू कहाँ है तुम्हारा, इनके बाबा भी जो है वो सो रहे हैं और ये जो है ना ये जो है ये मखलूक हमारी जाग रही है। ईफू किधर गया तुम्हारा, रुको मैं ईफू देखूँ कि ईफू किधर चला गया। इफो यहाँ तो नहीं डाला तुमने, इधर पर सारा ये पाउडर हुआ है, ये सारा पाउडर ये ऐसे ऐसे करके जो है ना ये मुंह से ये चाटता है इतना चला के। जाओ बाहर जाओ, ये बाहर जाना है क्योंकि वो हमजा मास जो है उनका टीवी चल रहा है, ये बाहर निकल गए हमजा मास के साथ। इसका इफो देखो, ईफू किधर है इसका को एंड। और मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।